एक नॉर्मल यूजर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब वो एक नया आईफोन परचेस करता है, क्योंकि इससे पहले वो हमेशा एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और आईफोन परचेस करने के बाद कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे पास जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है इसका डेटा हम अपने आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र करें। तो देखिए, एक तो पहले जब आप फ़ोन को आईफोन को ऑन करते हैं वहाँ भी आपको ऑप्शन आता है कि आप अपने फ़ोन का पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमें डेली बेसिस में करना है। पकड़ लीजिए, मैं इस वीडियो में इस फ़ोन में शूट किया, मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना है, कभी मैंने इसमें शूट किया, मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो आप रेगुलर बेसिस में किस ऐप के मदद से डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़रूर आप लोग इस वीडियो में, इसका मतलब आपने बहुत सारे वीडियोज़ को ऑलरेडी चेकआउट किया होगा और आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं मिला होगा कि भाई जो ट्रांसफ़र का भी सिस्टम है वो टोटली बेकार है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नए यूजर्स को, बेसिकली जो आईफोन परचेस करते हैं और जिनका पुराना एंड्रॉयड स्मार्टफोन रहता है उनको। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली पर्टिकुलर स्मार्टफोन के बारे, कंपनी के बारे में बताऊंगा कि आप वो कंपनी से कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है सैमसंग का स्मार्टफोन, सैमसंग का A54 है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है बेसिकली iPhone 16। तो अभी आपका जो कन्फ्यूजन है, देखिए स्टार्टिंग में अगर आप लोग चाहेंगे तो स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन है सैमसंग का, वो आप इसमें इंस्टॉल करके कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रेगुलर बेसिस में आप कौन से ऐप की मदद से यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है जापिया फाइल ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग। तो आपको ये एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों ऐप को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दोनों ही ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। पकड़ लीजिए, मेरे पास मैंने एक आईफोन में वीडियो शूट किया है, मैंने मुझे इस वीडियो को उसमें ट्रांसफ़र करना है। तो बेसिकली जैसे कि चलिए मैं एक नॉर्मल वीडियो का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको वीडियो का प्रीव्यू भी मिलेगा, तो अभी आप देख सकते हैं। तो चलिए मुझे प्रीव्यू नहीं देखना है, मैं इसे बैक कर लेता हूँ। जस्ट मैंने इस वीडियो को पकड़ लीजिए सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र ऑल यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जिस तरह मैं आपको सामने में ला कर दिखा दे रहा हूँ ट्रांसफ़र ऑल। लेकिन ये सिलेक्ट जिस वीडियो को आप कीजिएगा उसी वीडियो को ट्रांसफ़र करेगा, जिस तरह से मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया हो तो इसका साइड में आप देख सकते हैं कि एक रेड डॉट आ गया है। मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे इसमें क्लिक करना है एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, और यहाँ पर रिसीव में क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपको कुछ परमिशन मांगेगा, आप वो परमिशन वगैरह अलाउ कर दीजिएगा। वाईफाई टर्न ऑन करने बोल रहा है, ऑन कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक मिनट, तो इस टाइप का कुछ सिस्टम आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आईफोन में ये आ चुका है साइड में A54 का। तो चलिए मैं इसमें क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, मैं जस्ट ज्वाइन में क्लिक करूँगा। थोड़ा वेट करना है, ऊपर में देख सकते आप कनेक्टिंग हो रहा है। बस कुछ सेकंड लेता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रांसफर अब शुरू हो गया है। पकड़ लीजिए, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर जाके मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफर शुरू हो गया और कितना फास्ट ये ट्रांसफर कर रहा है आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, फ्री एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए और अपना डेटा जो है वो आप आईफोन से दूसरे स्मार्टफोन में पर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए यूजर्स को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।